नाथ करी रावण एक जागा, रावण देवी का यज्ञ करने लगा, क्योंकि रावण माता कात्यायनी का उपासक था और रावण की ओर से कात्यायनी देवी लड़ रही और राम जी से रावण मारा नहीं जा रहा क्योंकि साक्षात कात्यायनी सामने खड़ी। विभीषण जी को चिंता हुई, भगवान इनका यज्ञ पूरा हुआ तो कात्यायनी तो हम सबको मार देगी, तो कुछ करो। तो हनुमान जी गए भागते हुए, तुम कुछ मत करो, मैं ही करता हूं। राम जी ने कहा तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही करो। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यज्ञ में जो आचार्य हवन करवा रहे थे स्वाहाकार, उन सब की दिन रात सेवा करने लगे। एक दिन आचार्य बड़े प्रसन्न, अरे ब्राह्मण देवता तुम तो बड़ी सेवा करते हो, हमारी मांगो क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा अब नहीं, अंतिम दिन मांगो। आज यज्ञ का अंतिम दिन आया, हनुमान जी ने इतनी सेवा कर दी ब्राह्मणों की कि ब्राह्मणों ने फिर कहा अरे अब तो मांग लो। तो महाराज एक इच्छा है क्या, जो आप पूर्णाहुति करवाना तो सिर्फ एक अक्षर बदल देना बस। ब्राह्मणों ने कहा एक अक्षर क्या, पूरा मंत्र ही बदल देंगे तुमको। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक अक्षर। अच्छा, और वो अक्षर कौन सा बदलवाया? रावण खड़ा है पूर्णाहुति करने के लिए, सब आचार्य उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अर्गला स्तोत्र का मंत्र, भूतारती हारिणी, हरण करने वाली, मेरे संकट का हरण, मेरी मृत्यु का हरण करने वाली, हे देवी तुम्हें प्रणाम है कालरात्रि। लेकिन हनुमान जी ने कहा एक अक्षर बदल लेना। कौन सा बदलवाया? हा की जगह का लगवा दिया और हारिणी की जगह हो गया कारिणी। हे माँ मुझे मौत दे दो, हे माँ मेरा नाश कर दो। और रावण ने कर दिया स्वाहा। एक क्या कह दिया आचार्य तुमने, सभाचार्यों के हाथ जुड़ गए। महाराज वो आप ही का तो है, यहाँ पे रहता है, उसने कहा एक अक्षर बदलवा दो, कहाँ गया वो? अब रावण ने देखा ये हनुमान जी का ही काम कर गया काम। उसी समय कात्यायनी प्रकट हुई, है रावण अब तुमने नाश मांगा है, अब मैं तुम्हारे नाश की लीला करूंगी। तब से ही रावण का नाश का काम शुरू।